देश हो, राज्य हो, गली हो या मोहल्ला, चुनाव हो या आम खबर, हम करेंगे आपको बाखबर। हम हैं नेशन नाउ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। पूरा जिले के अरियरी थाना के अंतर्गत ससरामा गांव के रहने वाले 55 वर्षीय उमेश बिंद किसी काम को लेकर बैकटपुर गांव गए थे, फिर लौटकर घर नहीं आने पर परिवार चिंतित में हो गए। शाम को राहगीरों ने लाश को देखा तो शोरगुल करने लगे कि नदी में लाश है, तो स्थानीय लोगों ने जाकर देखा तो पता चला कि उमेश बिंद की लाश है। लाश को देखकर परिवार दंग रह गया, जबकि इसकी सूचना अरियरी पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। गौरतलब हो कि दो दिन पहले उमेश बिंदु को बैकटपुर गांव के निवासी जहीन चौधरी ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी जानकारी उमेश बिंद के पुत्र संतोष बिंद ने बताया। कैसे पता चला? कौन मारने के लिए धमकी दिया? वो नाम नहीं जानते सर, वो कह रहे थे कि एक दिन बाप बेटा पूरे को मारूंगा। हम मैं घर में काम कर रहे थे अपना, हमको ये खाली एक आदमी गए थे हकाने के लिए कि आपका पापा मर चुके, बस इतना बाद में जान। किसी से पुराना विवाद? इसने खाली थोड़ा सा भाई का झगड़ा था, वो तो कुछ नहीं हुआ, उससे कोई दिक्कत ना, ये मतलब कोई और बात। किसी पर शक है? शक तो है सर। क्या नाम? नाम नहीं जानते सर, हम यहाँ रहते ही हैं। गांव का ही है? हाँ, गांव का ही, अगले गांव है, नदी का ही। इस बार मृतक का क्या नाम है? क्या नाम है उनका? उमेश बिन। आपका? संतोष बिन। आपका कौन है? पापा। कहाँ घर है? सासरामा। पूरा कन्फर्म नहीं, देख के बताओ बाद में जी सर, 10 मिनट के बाद। कहाँ से सब मिला सर? करने दीजिए, फिर दे देंगे। ये तरीका था आप लोग।